लिंग यानी जेंडर। शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति की जानकारी कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, आदमी, दादा आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति की जानकारी कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, औरत, दादी आदि। आइए अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं। पिता, माता। चाचा, चाची। नाना, नानी। मामा, मामी। दादा, दादी। लड़का, लड़की। लेखक, लेखिका। बेटा, बेटी। अध्यापक, अध्यापिका। छात्र, छात्रा। बाघ, बाघिन। सिंह, सिंघनी। मुर्गा, मुर्गी। मोर, मोरनी। राजा, रानी। नौकर, नौकरानी। हाथी, हथनी। ऊंट, ऊंटनी। घोड़ा, घोड़ी। पति, पत्नी। भाई, बहन। गुड्डा, गुड़िया। गाय, बैल। चूहा, चूहिया। गायक, गायिका।
मालिक, मालकिन। सुनार, सुनारिन। लोहार, लोहारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। ग्वाला, ग्वालिन। पड़ोसी, पड़ोसन। धोबी, धोबिन। सहपाठी, सहपाठिन। चालक, चालिका। सेवक, सेविका। हिरण, हिरनी। कबूतर, कबूतरी। बंदर, बंदरिया। चीड़ा, चिड़िया। बिलाओ, बिल्ली। पुरुष, स्त्री। माली, मालिन। पंडित, पंडिताइन। पुजारी, पुजारिन। पुत्र, पुत्री।